आंखों में आंसू, चेहरे पर मायूसी, अपने बेटे को गले लगाकर रोती हुई ये माँ अपने हाथों से अपने लाल के आंसू पोंछ रही है, क्योंकि इस महिला के पति और इसके बेटे के पिता की हत्या हो गई है। ये बात सुनकर बहुत दुख होता है कि कैसे एक पल में इन दोनों के सिर से पति और पिता का साया एक झटके में उठ गया। मगर ये कहानी ऐसी नहीं है, ये कहानी इतनी पेचीदा है जिसे सुनकर यकीनन आप हैरान होने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस माँ बेटे के ऊपर आरोप है कि इन्होंने ही अपने पिता और पति को मौत के घाट उतारा है। जी हाँ, ये सच है। सिर को चकराने वाली ये कहानी रतलाम की है, जहाँ इस महिला ने बेटे और एक साथी की मदद से अपने पति की जान ले ली और लाश को तालाब में फेंक दिया। मगर इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी पत्नी ने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी थी। 20 अक्टूबर को ये महिला के द्वारा थाने पर आकर सूचना दी गई कि उसका पति 19 तारीख की रात से घर से बिना बताया गया हुआ है। उसका फ़ोन वोन भी नहीं लग रहा था, तो जिसकी गुमशुदगी उसके द्वारा थाने पर दर्ज कराई गई थी। गुमशुदगी जांच के दौरान जब आसपास के लोगों के बयान लिए, इनके जो व्यक्ति था गुमशुदा इमरान, उसके परिजन के बयान लिए, तो उनके द्वारा शंका व्यक्त की गई कि 19 तारीख की रात को जो महिला गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रही है कि 19 तारीख को व्यक्ति चले गया है। उनके द्वारा बताया गया कि 19 तारीख को इसे घर पे काफ़ी विवाद हुआ था, मतलब दोनों पति पत्नी और उसके लड़का जो है, जो फरियादी थी जो सूचना करता थी रूबीना, उसका लड़का जो उसके पहले पति से था, 19 साल का सुल्तान नाम है उसका, वो उनके बीच में काफ़ी विवाद हुआ था। उसके बाद रात में 1:30 बजे करीब इसको दोनों महिला और उसके पुत्र और एक उनके साथी बबला, उनको ऑटो में कुछ सामान भर के ले जाते हुए लोगों ने देखा था। पुलिस के मुताबिक महिला ने 19 तारीख को पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, मगर जांच के दौरान पुलिस को पड़ोसियों से पता चला कि मृतक इमरान रूबीना और उसके बेटे का 19 अक्टूबर की रात झगड़ा हुआ था, जिसके बाद देर रात ये दोनों एक व्यक्ति के साथ कंबल में कुछ बांधकर ऑटो से कहीं लेकर गए थे, जिसके बाद पुलिस को इन पर शक हुआ। पुलिस ने जब महिला और उसके बेटे से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और अपने तीसरे साथी का नाम भी ले लिया, जिसके बाद पुलिस ने इनके तीसरे साथी बबला नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दिए बयान में महिला ने बताया कि रूबीना अपने पति की शराब पीने की लत से परेशान थी, जिस वजह से रोज इनकी लड़ाई होती थी और इसी वजह से तंग आकर महिला ने अपने पति की हत्या का खेल रच डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।